अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान, वेलकम टू ट्रेवल जैगवार। दोस्तों आज आपको सैर करवाने जा रहे हैं ठंडियानी की, तो हमारे साथ रहिएगा। और अगर तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, अभी हम बढ़ रहे हैं ठंडियानी की जानिब। तो ठंडियानी की जानिब बढ़ते हुए रास्ते में खूबसूरत मंजर, लश ग्रीन पहाड़, दरख्त, सब कुछ ये चीज़ें जो हैं आपके सफ़र को मज़ीद दिलकश बना देंगे। अगर तो ठंडियानी की बात करते चलें तो ठंडियानी के लफ्ज़ी मानी है बहुत सर्दी, यानी कि ठंडा। ठंडियानी पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गिलियात इलाके में एक पहाड़ी स्टेशन है। ठंडियानी ज़िला एबटाबाद के शुमाल मशरक़ में वाक़ है और हिमालय के दामन में एबटाबाद से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पर है। ठंडियानी की पहाड़ियाँ सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर बुलंद हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक सैयद अवान अब्बासी और गुज्जर कबाइल से है। अब हम फाइनली ठंडियानी टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि पहले भी मेंशन किया था आपको कि यहाँ का मौसम बनिस्बत नीचे के काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि ये बहुत बुलंदी पे वाक़ है, तो उसी लिहाज से यहाँ का जो मौसम है वो खासा ठंडा रहता है। तो मज़ीद यहाँ बात करते चलें तो चंद एक रिफ़्रेशमेंट शॉप्स हैं, बाकी जिसको आप छप्पर रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सिटिंग अरेंजमेंट भी कुछ हद तक किया गया है, यहाँ पे आप आके अपना जो है जनरल रिफ़्रेशमेंट जो है वो आप कर सकते हैं और सीन्स भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ चाय, पकौड़े एक्सेट्रा जनरल आइटम्स जो हैं आपको अवेलेबल होंगी। बाकी रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जो है आप मील इंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, ठंडक भी है, और सारी चीज़ों को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सम हाउ यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान से बहुत से सियाह यहाँ आते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ऊंचाई पर होने की वजह से पुरकशिश मनाजिर और जंगलों और दीगर करीबी मकामात पर पैदल सफ़र के कई रस्तों के साथ ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह तस्वर की जाती है। अगर तो यहाँ के मौसम की बात करते चलें तो मौसम गर्मा के महीनों में यहाँ का मौसम बेहतरीन तस्वर किया जाता है। साथ ही साथ अगर सर्दियों की बात करते चलें तो यहाँ के बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ सर्दियों में बर्फ़ की चादर में ढक जाते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें, चूँकि हमने अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से किया था तो यहाँ की निस्बत वहाँ का मौसम गर्म है, तो यहाँ पे हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अपने साथ स्वेटर एंड जैकेट जो है मस्ट रखें, क्योंकि मौसम शाम जैसे ही ढलेगी तो मज़ीद ठंडा हो जाएगा।
आज की वीडियो यहीं तक। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।